ये खेमराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई, तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था, और एक चारपाई पे राजकुमार जी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी पत्नी, पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी, और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया, और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया, और इसके बाद जो हमारी फॉरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुंची है। और जिनकी सांसें चल रही थी, कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितने भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने PM हाउस भेजा है प्रयागराज में, और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है, और इनके परिवार में सुनील है जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं, और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष, ये जिंदा है, और पुलिस की 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहाँ पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो वहाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है। और अभी तक कोई भी आपसे रंजिश की बात सामने नहीं आई, उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है, और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। थैंक यू।